अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन डिश सांबर। तो किस तरह से बनाऊंगी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे इसमें दिखाऊंगी। चलिए, मुंगे फली, टमाटे, दो टमाटे, एक मुंगे फली, कद्दू खोटरा, दाल एक खोटरा, तुवरी दाल, ये तुवर दाल, थोड़ी जीरा, थोड़ा गुड़, प्याज हाफ खोटरा, अम्बली जितना खट्टापन चाहिए उतना पानी में डाल को रखी मैं, बगार सामन, करेपाक, कोतिमीर, हरी मिर्चा, कैरेट। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, मैं ही सांभर बनाती मैं। तो कम इंग्रेडिएंट्स में भी सांभर बनता, अच्छा रहता, टेस्ट है। इसमें सांभर मसाला भी डालती हूँ तो दिखाऊँ। तो ये सांभर मसाला मैं यूज़ करती मैं, ये पूरी पैकेट डाला लूँगी। तो अब बनाने का तरीका दिखाती हूँ। ये धो को भिगा ले को, 10 मिनट के बाद से रख को, नहीं अब है ना इसे है ना गला लेती मैं चूल्हे पर कुकर में। इस तरह से लगेगा। तुवर डालिए भिगा को, मैं 1.5-2 गिलास पानी डाल को रखी मैं। तो अब गला लूँगी चूल्हे पर रख के। तो अब मैं चूल्हे पर रखो दाल गला लेती हूँ। इसमें क्या भी डालती हूँ, नहीं हल्दी, नमक, कुछ भी। अब बाजू चूल्हे पर मैं, तो मसाले ये पूरे, इसमें मसाले भी पड़ते, नमक है, मिर्ची, हल्दी आदि, ये पूरे इसमें कितना मैं बनाते भी आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करते भी दिखाऊंगी। अब वेजिटेबल्स पूरे इसमें गला लेती मैं दूसरे कुकर में। टू स्पून है ना ऑयल डालूंगी, तो इसे बगार सामान से कम रखी मैं। तो आप इसमें मैं 2 सूखे मिर्चा डालूंगी। बगार के वास्ते ये मैं दिखाएंगी, तो ये एक्सप्लेन करते भी आप लोग को दिखाते भी डालती मैं। दो डाली मैं सूखी मिर्चा। अब थोड़ा दिखेगा आप लोगों को करे पाके, ये सब भी कम सेक में करना। थोड़ी हिंग डालूंगी मैं, जीरा, प्याज, तरह से थोड़ा भून लेने के बाद मिर्ची, कैरेट, कद्दू, कद्दू को लौकी भी बोलते, टमाटे, मूंगे फली, दिखता है आप लोग को, दिखेगा थोड़ा, देखिए ये अच्छा मैं गला लेती हूँ। थोड़ी हल्दी डाल को, नमक डाल को गला लेती हूँ। इससे 1/2 स्पून ही चाहिए हल्दी, थोड़ा सॉल्ट है गलने के वास्ते। पानी डालती मैं, देखिए 1/2 ग्लास डाली, ये ढाप के रखूंगी, ऐसा दिखाऊंगी। तो ये 2 सीटी आए तो गल जाते हैं, भिगा को रखे ना 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद तो सीटिया में ये गल जाते हैं। आपको फिर दिखाऊंगी। देखिए ये 2 सीटी आ गए, अब मैं है ना इसे निकाल के, देखिए किस तरह से गल गई। ये 10 मिनट 5 मिनट भिगने रखे तो अच्छा गल जाती। ये गलिया नहीं है, अब मैं इसे गला दूंगी।
इसे भी दो सीटें आए तो गल जाता, तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं इमली का रस निकालती हूँ ये खुटरे में, देखिए इमली का खट्टा निकाली मैं डालने के वास्ते। ये गुड़, ये जागेरी, इसे कभी भी निकाल को रखना ना को, फिर अंदर डाला लो, नहीं तो काले चुमटे आ जाते, तो ये अंदर डाला लो, पकाते टाइम पर डालो फिर निकाल को, नहीं तो ऐसा काले चुमटे आको आपको डिस्टर्ब करते। अब ये दाल को अच्छा मैश होगी ना, इसे मैं घोट लेती हूँ, देखिए हाथ से घोटो, अच्छा मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है, सांभर को हाथ से घोटे तो टेस्ट आता था। अब मिक्सी में दाल डालते हैं ठंडा हुई है वसा, तो वो करेक्ट नहीं, हाथ से घोटने से आएगा मज़ा सांभर में, बारीक घोटना ये। तो ये भी गल गया, तो इसके भी दो सीटी आ गए, मैं इसे कुकर को सीटी निकालती हूँ, देखिए अच्छी तरह से गल गए। तो अब मैं इसमें खट्टा डालूंगी, इमली का खट्टा ये तालीम समय, इमली का खट्टा मैं डालीम सब इसमें। अब इसमें मैं नमक डाली, में नमक है मिर्ची फिर है ना, इसमें थोड़ा गुड़ है ये सब भी डालती हूँ, देखिए दे जागेरी गुड़ का तो जागेरी। ये अब औरता है ना, अभी इसमें मैं है ना एक गिलास पानी डालूंगी, जब से टिक्कर है ऐसा हाफ गिलास है प्लस है ये हाफ है गिलास पानी डाल। ऑलरेडी सांबर मसाले में मिर्ची रहती है, इसमें मैं हाफ टी स्पून ही डालती हूँ। साल्ट है 1 स्पून, ये अच्छा टेस्ट रहता, आप लोग खाने के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं, या तो गारी गारल है ना मेथी वड़ा, क्या बोलते हैं आप लोग वड़ा का, वड़े में खा सकते, गारल में खा सकते। तब तक के लिए ऐसा ही छोड़ती हूँ, ये पूरा ढक्कन दाल को रखना ना को, उबल आता गिर जाता, तो जरा खाली ऐसा तो रखो आप, तो ऐसा तो रखो कम सेक में रखो, ढक्कन निकालने के बाद है फुल सेक रखो, तो ये गाढ़ा होना अच्छा टेस्टी रहता है। सांभर है डालूंगी इसमें मसाला, सांभर मसाला ये क्या ही का MTR का, ये 1 टीस्पून, टू टीस्पून है इसमें, 2 टीस्पून अच्छी तरह से मिक्स करना, इसकी खुशबू भी अच्छी रहती है MTR मसाले की। आप लोग अच्छा खाते हैं खाना खाने के राइस के साथ, या तो आप लोग को इसमें गारी बोलते मेथी वाला उसके साथ है, या तो इडली के साथ है सुपर रहता है, चीले के साथ भी खाते है। अभी इसमें बघार डालने की ज़रूरत नहीं, बघार हमें ऑलरेडी पहले डाला लें, 5 मिनट इसे पकाने के बाद उतार के आपको दिखाऊंगी। देखिए किस तरह लग रहा है, मेरी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी मैं, आप लोग को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
एक बार रेसिपी आप लोग के फैमिली के साथ एंजॉय करो, बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस रहता है। इसके साथ और घी लगाए तो लाजवाब। खुदा हाफिज़।